अप्रैल मंथ में बहुत सारे आपको T20 मिलेंगे, एक एक दूसरे से टीमें खेलेंगी, जैसे अभी ओमान इसका होगा, फिर पाकिस्तान आपका न्यूजीलैंड से है, इसके अलावा जिम्बाब्वे बांग्लादेश, बहुत सारे टूर्नामेंट्स T20 के आपको मिलेंगे जो IPL के अलावा भी आएंगे, और मेरे को उम्मीद है ये सब मैचेस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक तरह से इक्वल टीम है, ठीक है, दोनों ने ही क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए। तो ओमान देखा जाए तो अपने धरती पे खेल रही है, और मैं ये पहले बता दे रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट मेरे हिसाब से इट हैज़ टू बी अ चेस टूर्नामेंट। ठीक है, दोनों की ही टीम की बॉलिंग की थोड़ी इशू है, बट इनकी बैटिंग, जैसे ओमान जब भी मैंने इनको देखा है चेस करते हुए, इवन नेपाल को, नेपाल में इन्होंने हरा दिया था, ठीक है, 180 रन सब बना देते हैं। इनके नीचे के 3-4 प्लेयर हैं, रफीउल्ला, इसके अलावा आपके एक विकेट कीपर है खुशी, इसके अलावा आयान खानी, सब इतना भयंकर खेलते हैं जिसका हिसाब ही नहीं है, मतलब इनको चेस में हराना बहुत मुश्किल है, और अपनी धरती पर भी खेल रहे हैं, और ओमान एक कंपटेटिव, मैंने देखा इनका भाई 140 से 50-60 तक का टोटल बनता है, तो पिच भी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, कंपटेटिव टूर्नामेंट, ऐसा नहीं कि 200-250 का टोटल बन रहा है। ठीक है, और नामीबिया ऑलवेज आप बोल सकते हैं अच्छी टीम रही है। ठीक है, 5 मैच हैं आपको मिल जाएंगे शाम में, एक अच्छे समय पे आपको मिलेगा, सब कुछ फैनकोट पे लाइव आता है, फैनकोट का पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आराम से। ठीक है, लास्ट जो एक टूर्नामेंट हुआ था आप देख सकते हो कि ओमान ने ये मैच भी चेस करके जीता, ठीक है, ये मैच भी हार ही गए थे, फिर इन्होंने चेस करके जीत लिया, और ये पहली बैट करके हार गए, क्योंकि बॉलिंग में सबके कमी है, एसोसिएट में अगर आप देखोगे मैक्सिमम आप चेस करके जीत सकते हो। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता, अभी मेरे हिसाब से तो टीम्स नहीं आई हैं, ठीक है, बंदे ने जो भी बनाया होगा एक बेसिक तरीके से बनाया होगा, ये सब पूरा देखिए डिटेल में बात करने की जरूरत है नहीं। इसमें अगर आप देखोगे तो निकोल लॉफ्टी-टन जो अभी फास्टेस्ट सेंचुरी मार दिया है वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है, हो सकता है वो चोटी लो, जे स्मिथ का नाम मेरे को नहीं दिख रहा, पता नहीं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, एक बार देख लेते हैं, अगर डेविड वीसा वाकई में आ गया है, आपका गेराल्ड इरास्मस रहेंगे, इनके जेन फ्राइलिंग, रूबल ट्रिपलमैन अभी साउथ अफ्रीका T20 खेल रहा है टस्कर्स की टीम में, ठीक है, बाकी ये सब इनके अच्छे प्लेयर हैं, ये सब भी एक डिसेंट क्रिकेटर हैं, तो उन सबसे कोई फर्क नहीं, एक बार टीम आ जाने दीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें जे स्मिथ का नाम मेरे को नहीं दिख रहा, और भी ट्रिपलमैन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये बहुत तगड़ा गेंदबाज है, ये अपनी बॉलिंग से मैच डिफेंड कराता है, बर्नार्ड स्कोल्टर्स लेफ्ट आर्म का टॉप क्लास का स्पिनर है, आप बोल सकते हो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत तगड़ा स्पिनर है, ठीक है, IPL में तक खेल सकता है, इतना बढ़िया प्लेयर है, बाकी इनके जो बैटिंग लाइनअप है रूबल ट्रिपलमैन सब मार लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। बाकी अगर ओमान की बात की जाए तो इनका जैसे मैंने बोला आपका रफीउल्ला का पहली नाम लिखा, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग में आते ही छक्का मारना चालू, मतलब पहली बॉल से इसके पास हिटिंग कैपेबिलिटी है। बाकी देखा जाए तो ये भी अच्छा कर रहे हैं, शोएब खान, जितेंद्र सिंह, नसीम खुशी काफ़ी मोटा मार रहे हैं, कुशल प्रजापति, ये पूरी एक तरह से चेस टीम बनती है। ठीक है, जिशान मकसूद इनके टॉप क्लास के पहले कैप्टन भी रह चुके हैं, ऑलराउंडर हैं, आकिब इलियास अच्छा खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे हैं, बाकी बिलाल खान आपके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छा इन्होंने किया था, कलीमुल्ला अच्छे खा फास्ट गेंदबाज हैं। ठीक है, सबसे मेन प्लेयर इनकी आयान खान है, लेफ्ट आर्म के स्पिनर, लेफ्ट आर्म के बैट्समैन, डिटेल में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैच अच्छा बन सकता है, काफ़ी अच्छा बन सकता है, टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, पर मैं ये सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ कि पहला चेस जो रहेगा, अगर ओमान पहली चेस करेगी तो आप ओमान के साथ रहोगे, ठीक है, और इस तरीके से इनको भी आउट नहीं किया जा सकता, तो मैं ये टूर्नामेंट को चेस टूर्नामेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, जो भी सेकंड बैटर रहेगा 5 मैच में आप उनके साथ रहोगे, और इसी के साथ ये टूर्नामेंट आप